हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि इंडियन नेवी की तरफ से जो आप सभी के लिए रिक्रूटमेंट जारी किया गया उसके बारे में। हाँ तो फ्रेंड्स, आप सभी को हम बता दें कि इंडियन नेवी की तरफ से MTS के पोस्ट पे एंड यहाँ पे जो है फ्रेंड्स LDC के पोस्ट पर आप सभी के लिए रिक्रूटमेंट जारी कर दी गई है। यदि आप सभी मिनिमम 10वीं पास एंड मैक्सिमम 12वीं पास है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। यदि आप सभी इसके लिए एलिजिबल है तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। इस फॉर्म को आप जो है अप्लाई ऑफलाइन मोड में कर सकते हैं। तो चलिए, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया इंडियन नेवी की तरफ से उसके बारे में आप सभी को पूरे डिटेल्स में हम बताते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस और आप सभी को फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है और इसमें जो है आप सभी को सैलरी क्या रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड तो सबसे पहले आप सभी को जो है इन्फॉर्मेशन दे सके। हाँ तो फ्रेंड्स, आप सभी को ऑलरेडी स्क्रीन पे यहाँ पर दिख रहा होगा कि हेड क्वार्टर्स अंडमान निकोबार कमांड पोर्ट बलियार, ठीक है। यहाँ पर रिक्रूटमेंट ऑफ लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए पोस्ट है एंड यहाँ पर मल्टी टास्किंग के लिए, ठीक है। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर दे रखा है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इस फॉर्म को केवल और केवल एक्सेप्ट किया जाएगा ऑफलाइन मोड में, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, साफ साफ मेंशन यहाँ पर कर चुका है, ओनली ऑन ऑफलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, ठीक है। तो आप सभी को जो है ऑफलाइन मोड में ही फॉर्म को इसको अप्लाई करना होगा। यहां पे आप सभी को कोई भी इंटरव्यू होने वाला नहीं है, आप लोग यहां पे देख सकते हैं, नो इंटरव्यू विल बी हेल्ड फॉर रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ओके। आप सभी यहां पे जो है फ्रेंड्स, आप सभी को यहां पे रजिस्टर्ड करना है या स्पीड पोस्ट, दोनों में से कोई भी आप लोग फॉर्म अप्लाई करते समय कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि यहां पे कौन कौन से पोस्ट है। तो फ्रेंड्स, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क नॉन मिनिस्ट्रियल के यहाँ पे वैकेंसी है। यदि हम पैलेस एंड आप सभी को पोस्टिंग की बात कर ले कि आप सभी को जॉब इसमें लगने के बाद आप लोग का पोस्टिंग कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे हेड क्वार्टर ANC पोर्ट बलियार में आप सभी की यहाँ पे जो है पोस्टिंग होने वाला है। यदि नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे 5 पोस्ट है। और यदि हम आप सभी को पे स्केल यानी सैलरी की बात कर लें तो आप सभी को फ्रेंड्स पे स्केल रहने वाला है पर 7 CPC पे मैट्रिक्स के अनुसार, यानी आप सभी को यदि लोअर डिवीजन क्लर्क के पोस्ट पर यदि आप लोग भर्ती होंगे तो आप सभी को लेवल 2 की सैलरी रहेगी जो कि 19,900 से लेकर 63,200 के बीच आप सभी को जो है सैलरी यहाँ पे रहने वाली है। उसके बाद आप सभी को फ्रेंड्स दूसरा पोस्ट आ जाता है MTS का, यानी मल्टी टास्किंग स्टाफ ऑफिस एंड ट्रेनिंग, ठीक है। नॉन मिनिस्ट्रियल एंड नॉन इंडस्ट्रियल के अंतर्गत ये जो है पोस्ट आता है और आप सभी को इसमें जो है फ्रेंड्स भर्ती होने के बाद आप सभी को इसी स्थान पर जो है पोस्टिंग किया जाएगा, हेड क्वार्टर ANC पोर्ट बलियार में। और यदि हम इसकी पोस्ट की बात करें तो टोटल 5 वैकेंसी है और यदि दोनों हम ऐड करेंगे तो 10 पोस्ट पर आप सभी की वैकेंसी जो है निकल कर आ रही है जो कि आप लोग यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हैं। इसका यदि हम सैलरी की बात करें फ्रेंड्स तो ये आप सभी को 7 CPC के अंतर्गत आता है ये भी और लेवल 1 की सैलरी यहाँ पे आप सभी को MTS में मिलने वाला है जो कि 18,000 से लेकर 56,900 के बीच आप सभी को सैलरी यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। तो आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दे रखा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स। यदि हम एज की बात कर ले तो फ्रेंड्स आप सभी को मिनिमम एज 18 ईयर्स होनी चाहिए एंड मैक्सिमम 56 ईयर्स से ज़्यादा आप सभी को एज जो है नहीं होनी चाहिए जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, साफ साफ मेंशन कर चुका है। यदि हम क्वालिफिकेशन की बात करें फ्रेंड्स तो यदि आप लोग लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सभी को यहाँ पे 12वीं पास मांगा गया है एंड इसके साथ में आप सभी को स्किल टेस्ट होगा जो कि आप सभी को टाइपिंग करना होगा 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, ठीक है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यदि आप फ्रेंड्स जो है इंग्लिश में टाइपिंग करना चाहते हैं तो आप सभी को 35 का स्पीड होनी चाहिए, 10 मिनट में आप सभी को जो है फ्रेंड्स 350 वर्ड जो है टाइप करना होगा, ओके। और एक्यूरेसी आप सभी को 95 होनी चाहिए, ठीक है। और यदि आप हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हैं तो आप सभी की यहाँ पे जो है 30 स्पीड होनी चाहिए, यानी 30 का स्पीड होनी चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट आप सभी को स्पीड जो होनी चाहिए तभी आप लोग यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे। यहाँ पे आप सभी को क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है जो कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं कि आगे इसमें क्या दे रखा है फ्रेंड्स। तो आगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स MTS के लिए कि MTS के लिए यहाँ पे जो है फ्रेंड्स क्या रखा है क्वालिफिकेशन। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आप सभी को यहाँ पे 10वीं पास मांगा है, इसमें आप सभी को कोई भी स्किल टेस्ट वगैरह नहीं होने वाला जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर के बारे में यहाँ पे समझा रखा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसके बाद, तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दें कि जब आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर देंगे तो आप सभी को जो है सिलेक्शन होने वाला है
जो है रिटर्न बेसिस पे आप सभी को सिलेक्शन होने वाला है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आप सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद यहाँ पे आप सभी को जो है फ्रेंड्स मेडिकल नॉर्मल होता है, उसके बाद आप सभी को फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लास्ट डेट क्रूशियल डेट यहाँ पे दे रखा है, जिस दिन से इसका फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हुआ है उस दिन से आप लोग 60 डेज के अंदर में जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सभी को फ्रेंड्स यहाँ पे 19 अप्रैल से जो है फॉर्म स्टार्ट हो गया, एंड आप लोग 19 डेज से अपना काउंट कर सकते हैं और 60 डेज तक आप लोग इस फॉर्म को जो है फिलअप कर सकते हैं, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे क्रूशियल डेट दे रखा है ऑलरेडी। हाउ टू अप्लाई की बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, द एप्लीकेशन शुड बी ऑन प्लेन पेपर A4 साइज का होनी चाहिए, ठीक है, और गुड क्वालिटी पेपर होनी चाहिए। उस पर आप सभी को इधर निजली हार्ड रिटन यानी आप सभी टाइप भी करवा सकते हैं, टाइप करवा करके भी इस फॉर्म को जो है फ्रेंड्स आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, और इसी फॉर्मेट में आप सभी को होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप सभी को पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ ड्यूली अटेस्टेड बाय सेल्फ इन्वॉल्व आप सभी को उसमें जो है जो भी आप सभी के पास डॉक्यूमेंट वगैरह है, जिस भी आप लोग क्वालिफिकेशन के आधार पर फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं उसमें आप सभी को लगा करके जो देना होगा। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लोअर डिवीजन क्लर्क मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफिस एंड ट्रेनिंग बाई यहाँ पे एब्जॉर्प्शन जो भी चीजें दे रखा है आप सभी को इसी एड्रेस पे भेजना होगा। किस एड्रेस पे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ एड्रेस जो है मेंशन कर चुका है, आप लोगों को इसी एड्रेस पे भेजना होगा। यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है फ्रेंड्स, यहाँ पे अंडमान निकोबार आइसलैंड वगैरह, ठीक है, निकोबार आइसलैंड, ठीक है। तो इसी एड्रेस पे आप सभी को फॉर्म जो है फिलअप करके भेजना होगा, ओके। उसके बाद आप सभी को डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगने वाला है तो जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर्म अप्लाई करते समय यही सब आप सभी को डॉक्यूमेंट लगेगा जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप सभी को रीड आउट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ही आप सभी को यहाँ पे फॉर्म को जो है फिलअप करना होगा। तो फ्रेंड्स आप सभी को यदि हम बताते हैं कि एग्जाम सेंटर कहाँ रहने वाला है तो आप सभी को अंडमान निकोबार ही एग्जाम सेंटर रहने वाला है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग द एडवर्टाइजमेंट हैज बीन अपलोडेड ऑन वेबसाइट, यानी आप सभी को वेबसाइट पर जाकर विजिट करके आप लोग अपना चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस भर्ती से रिलेटेड आप सभी को यदि कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से जरूर कर दीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।